दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों प्रीवियस पेपर लेकर के उपस्थित है और आज का हमारा पेपर है जो प्रीवियस JVVNL इलेक्ट्रिक पेपर है और यह है 25/8/2018 का इवनिंग सेशन। तो आज हम बात करेंगे इसके पार्ट, जो जीके पार्ट के टोटल क्वेश्चन का, और इसमें टोटल क्वेश्चन है 25। जीके के 25 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 125 तक है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहे, और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं जीके के पार्ट की ओर, बात कर लेते हैं जीके। क्वेश्चन हमारा जीके का स्टार्ट होता है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 से जीके का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है और जीके के टोटल क्वेश्चन है 25। तो क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर करें और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि 2008 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी। तो 2018 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी तंबाकू और हृदय रोग, तंबाकू और हृदय रोग थी। और 2019 की थीम थी तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य। प्रत्येक, जो कि हम यहाँ पे बात करेंगे, जो तंबाकू दिवस है ये 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध मनाया जाता है। पहली बार 7 अप्रैल 1988 को मनाया गया था, लेकिन फिर इसको 31 मई को प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू के रोगों से होने वाली मृत्यु के कारण इसे महामारी भी घोषित किया तंबाकू को। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 102। क्वेश्चन नंबर 102 में ब्रुकिंग्स रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश भारत के स्थान पर विश्व का सबसे गरीब जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो जी हाँ, हम बात करेंगे जो ब्रुकिंग्स रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने पहले भारत को, जो कि विश्व की गरीब जनसंख्या वाला देश बताया था, लेकिन अब भारत की बजाय नाइजीरिया है उसमें सबसे ज़्यादा गरीब निवास करते हैं और ये भारत का जो स्थान है वो नाइजीरिया ने ले लिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार रोजाना की कमाई $1.9 या हम कह सकते हैं 125 रुपये, जो भारतीय रुपये 125 रुपये से कम जो प्राप्त होती है या जिसकी कम आय है वह गरीब माना जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार $1.9 या 125 रुपये, जो भारतीय रुपये की बात करें तो 125 रुपये से कम रुपये कमाने वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है। और अब है वो भारत, पहले भारत था लेकिन ये स्थान अब नाइजीरिया ने ले लिया है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें कि इस स्टडी रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक भारत में 3% से कम गरीब ही रहेंगे। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 103 नंबर। क्वेश्चन नंबर 130 में 11th ओवर के लेखक हुसैन जेदी है और हुसैन जेदी का जन्म 28 फरवरी 1968 को हुआ था और इनका जन्म मुंबई में हुआ था। 28 फरवरी 1968 को मुंबई में हुआ था। और चलते हैं इसी के साथ में, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 104। क्वेश्चन नंबर 104 में ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया रोकने के लिए सोडियम धातु को डैश में रखा जाता है कि ऑक्सीजन और नमी के साथ में अभिक्रिया ना करे, इसलिए जो सोडियम धातु होता है उसको डैश में रखा जाता है।
तो ये है हमारा ऑप्शन डी मिट्टी का तेल। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखने पर इसमें ऑक्सीजन और जो नमी होती है वो अभिक्रिया करना बंद कर देता है। और चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 105 नंबर, निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो दूध को कैसीन पर परिवर्तन करता है। तो दूध को कैसीन में परिवर्तन करने वाला एंजाइम्स है और ये है ऑप्शन ई रेनिन एंजाइम, जो दूध को कैसीन में परिवर्तित कर देता है। और चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में सीमित नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो जो सीमित क्षेत्र होता है कंप्यूटर और अन्य जो उपकरण होते हैं उनके लिए एक सीमित नेटवर्क होता है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं LAN। और यहाँ पे ऑप्शन ई लोकल एन का और ए का एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको LAN कहते हैं। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा 107 नंबर, क्वेश्चन नंबर 107 में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने या चलाने के लिए कार्य करता है। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108, इंटरनेट कनेक्शन के लिए निम्न में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है। कि जब हमें किसी भी उपकरण को इंटरनेट से जोड़ना या हम कह सकते हैं उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है मॉडेम। मॉडेम की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से इसको कंप्यूटर जो नेटवर्क उपकरण इसे कनेक्शन प्राप्त होता है इंटरनेट का। और अब चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में स्प्रेड शीट में F4 कुंजी का कार्य क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो F4 होता है ये फंक्शन की होती है जो कीबोर्ड में ऊपर दी होती है, इसको फंक्शन कीज कहते हैं। और इसका कार्य होता है अंतिम क्रिया को दोहराना, जो अंतिम क्रिया की होती है उस क्रिया को डबल करना इसका कार्य होता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 110। क्वेश्चन नंबर 110 में लॉन्ग रिदम का आविष्कार किसने किया था। जो हम लॉन्ग रिथम का प्रयोग करते हैं ये आविष्कार किसने किया था, तो ये जॉन नेपियर ने किया था लॉन्ग रिथम का आविष्कार। और ये हमारा एक मेथ का साइन है। और बढ़ते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में आईएफसी का विस्तारक क्या है। ये जो बैंकों में हम आईएफसी कोड यूज करते हैं तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपसे पूछी जा रही है इसकी फुल फॉर्म। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ई इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो इसका आईएफसी कोड है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में म्यूचुअल फंड्स पेश करने वाला पहला बैंक निम्न में से कौन सा है। कि हम बात करें कि म्यूचुअल फंड पेश करने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो ये पहला बैंक है हमारा ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने 1987 में सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए खोला गया था और ये म्यूचुअल फंड के लिए खोला गया था इसको। अब तक 6 बैंकों और LIC और GIC ने शुरू की है ये म्यूचुअल फंड की स्कीम। और म्यूचुअल फंड की जो शुरुआत थी वो 1964 में की गई थी। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 113। क्वेश्चन नंबर 113 में 2009 के
बैंक नोट में कितनी कोणीय ब्लीड लाइनें होती है। तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि बैंक को जो 2000 का नोट है उसमें ब्लीड लाइनें कितने प्रकार की होती है, तो ये 7 प्रकार की होती है। हमारा ऑप्शन डी है, 7 प्रकार की ब्लीड लाइनें होती हैं। और इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से आरोही क्रम पर कौन सा है। तो यहाँ पे आरोही मीन्स यानी बढ़ते हुए क्रम पे कौन सा है, और अगर आप बात करें यहाँ पे बढ़ते हुए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है आयकर। आयकर है वो आरोही क्रम में है। और चलते हैं, बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन बने। यहाँ पे बात कर रहे हैं आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी ओसबोर्न स्मिथ थे, ओसबोर्न स्मिथ। और ये 30 जून 1937 को इनके अध्यक्ष बने थे आरबीआई के। 30 जून 1937 को आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे। और वर्तमान में शशिकांत है जो 2015 से, जो कि और शशिकांत है वो 15वें वित्त आयोग सदस्य है। और चलते हैं इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 116। क्वेश्चन नंबर 116 में अर्थशास्त्र में CRR का विस्तारक क्या है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में CRR का विस्तारक है, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी कैश रिजर्व रेशियो। जो CRR का विस्तारक है कैश रिजर्व रेशियो। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर है 117। क्वेश्चन नंबर 117 में निम्न में से कौन सा उत्पाद ग्रे क्रांति से संबंधित है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रे, इसको धूसर क्रांति भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम धूसर क्रांति। और ग्रे क्रांति जो उर्वरक से उत्पादन है, उर्वरक का उत्पादन है जिससे उर्वरक और उन्नत किस्म के बीज उत्पादित फसलों के लिए काम आ सके। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में सूक्ष्म सिंचाई MI माइक्रो इरिगेशन कब प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म सिंचाई की, माइक्रो इरिगेशन की जो सिंचाई की शुरुआत की गई थी, या ये जनवरी 2006 से इसकी स्टार्टिंग है। और इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में केले का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित किया गया। तो केले का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। और अब हम बात करें कि केरल, जो कि केले का राष्ट्रीय अनुसंधान जो तमिलनाडु में है, और ये तमिलनाडु में दूसरा है इसका पहला। अगर हम बात करें कि उत्पादक राज्य, जो उत्पादन में प्रथम राज्य महाराष्ट्र है और दूसरा तमिलनाडु है। 21 टन केलों के साथ तमिलनाडु से इटली भेजा गया था, और भारत में केला उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान पे है। अगर केले उत्पादन की बात करें तो भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है, लेकिन अगर केले के बुआई की क्षेत्रफल की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पे आता है। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 120 नंबर। क्वेश्चन नंबर 120 में वित्तीय समावेशन का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वित्तीय समावेशन का तात्पर्य, तो ये है हमारा ऑप्शन ए सस्ती लागत में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना। सस्ती लागत यानी हम कह सकते हैं कम से कम खर्च में बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध करवाना वित्तीय समावेशन है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 121। क्वेश्चन नंबर 121 में महाराणा प्रताप
और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? अगर हम बात करें वर्ष की तो ये 1576 में लड़ा गया था, लेकिन अगर हम बात करें तो ये 18 जून का दिन था। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को। और बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 122। क्वेश्चन नंबर 122 में जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था? तो हम बात कर रहे हैं जयपुर के हवा महल की, और जयपुर के हवा महल का निर्माण महाराजा स्वाही प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। जयपुर के हवा महल का महाराजा स्वाही प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था, और इसका जो वास्तुकार वो लालचंद उस्ता था। लालचंद उस्ता इसका वास्तुकार था। और इसमें अगर हम बात करें कि जयपुर जो कि हवा महल, तो इसकी 953 कुल खिड़कियां हैं, और लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। राजस्थानी वास्तुकला एवं मुगल स्थापत्य कला दोनों का मिश्रण इसमें हमें मिलता है। और बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 123। क्वेश्चन नंबर 123, राजस्थान के द्वितीय गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पे राजस्थान के जो द्वितीय गवर्नर थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान के द्वितीय गवर्नर की, और तो राजस्थान के जो द्वितीय गवर्नर थे वो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो कि द्वितीय गवर्नर के रूप में यहाँ पे गुरुमुख निहाल सिंह दिए गए हैं, लेकिन ये गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम थे और जो द्वितीय थे वो राजस्थान के ये संपूर्णानंद थे। ये संपूर्णानंद थे द्वितीय, और ये अप्रैल 1962 में बने थे। ये जो गुरुमुख निहाल सिंह है ये प्रथम थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है कि गुरुमुख निहाल सिंह, और लेकिन राजस्थान के जो द्वितीय गवर्नर थे वो संपूर्णानंद स्वामी थे। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 में किस शहर को श्वेत शहर कहा जाता है? हम कह सकते हैं वाइट सिटी। किस शहर को कहा जाता है? तो ये है उदयपुर। राजस्थान का उदयपुर शहर श्वेत शहर या वाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में गोविंद देव जी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद देव जी का मंदिर राजस्थान के, यहाँ पे राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में, जयपुर जिले में गोविंद देव जी का मंदिर है, और ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। भगवान दास के पुत्र मान सिंह ने इस मंदिर को बनवाया था। तो गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण मान सिंह ने करवाया था, और ये करवाया था 1590 ईस्वी में। और अगर हम बात करें विक्रम संवत की, तो ये 1647 में इसका निर्माण करवाया गया था। और गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो राजस्थान के जयपुर में, जो राजस्थान की राजधानी है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहें, बने रहें तब तक अगले वीडियो तक के।